मैं छोटा सा गांव है बायंग, वहां पे पैदा हुआ। जब मैं 7.5 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था और मेरी माँ 4th class तक पढ़ी हुई है मात्र, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से मेरे को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। हम लोग, आप लोग तो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हो। हम लोग उस समय जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ खपरेल का छत था पूरा, जब जहाँ हम 6वीं से 8वीं पढ़ते थे। और थोड़ा सा भी बारिश होता था तो पानी चूता था और क्लास पानी से भर जाता था, लेकिन हमको कोई दुख नहीं लगता था कि आज क्लास नहीं हो रहा। बहुत मजा आता था कि चलो छुट्टी हो गया। और सामने में बोरिंग था, कई दिन पूरा नहीं भरा रहता था ना, तो हमारे स्कूल में प्यून भी नहीं होता था, ठीक है, तो हम लोग पहले ही चले जाते थे चाबी लेके स्कूल का। हमारे पास ही चाबी होती थी, हम ही लोग जाके झाड़ू लगाते थे, पहले ऐसे ही होता था सरकारी स्कूलों में। तो हम लोग जाते थे और जाके देखते थे भरा नहीं है, तो सामने बोरिंग था उससे ढेंच ढेंच के भर के पूरा क्लास में भर देते थे, ठीक है, ऐसे रहते थे। तो ऐसा ही स्कूल था जहाँ छुट्टी हो जाता था, क्लास ही नहीं लग पाता था, पानी भर जाता था। हम लोग 12th class में पढ़ते थे तो हमारा एक लेक्चरर था केवल इंग्लिश का, न मैथ्स का लेक्चरर, न फिजिक्स का, न केमिस्ट्री का, न बायो का। अभी सब पढ़ोगे आप लोग 11th 12th पहुँचोगे तो वैसी स्थिति में हम लोग पढ़ाई किए।